अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं या अपनी झूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो लड़की पटाना ही मुश्किल काम होता है, और पटाने के बाद किसी कारण वो नाराज हो जाए तो इससे बुरा वक्त क्या हो सकता है। अगर आपके साथ भी यही स्थिति है, आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, आप दोनों की बातचीत बंद है, बात यहाँ तक आ पहुँची है कि उसने इस रिश्ते से अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन आपका दिल है कि उससे अलग होने को तैयार नहीं, तो फिर वक्त बर्बाद ना करें। जरूरत है तो तुरंत कदम उठाने की। अब आपको दिमाग में होगा क्या कदम उठाएं, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आपका रिलेशन और भी मजबूत होगा। सबसे पहले खुद से नाराज होने की वजह जानिए। खुद से यह सवाल जरूर पूछिए कि किस कारण की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है और रिश्ते टूटने तक आ पहुंची है। उसके बाद इस गलती को फिर से ना दोहराएं और इस बारे में अपने गर्लफ्रेंड से बात करें और उसे यकीन दिलाएं कि आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक बात याद रखिएगा, महिला पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावनात्मक होती हैं। आपकी जरा सी कड़वी बात उनके दिल पर गहरी चोट कर सकती है। अगर आप उससे मिल सकते हैं तो मिलकर, नहीं मिल सकते तो मैसेज करके उसके साथ बिताएं। अगर आप उससे मिल सकते हैं और यदि नहीं मिल सकते तो उन्हें मैसेज कर अपने साथ बिताएं। हर वो पल जो आप दोनों के लिए खास हो उनको याद दिलाएं। अगर आप उनसे व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो कुछ साथ में बिताए गए पल व फोटो भेजें और तब सॉरी बोले, बेशक मान जाएगी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ब्रेकअप के लिए आप जिम्मेदार हैं तो माफ़ी मांगने से जरा भी देर मत कीजिएगा। अपनी गलती पर माफ़ी मांगने में हिचकिचाहट कैसी, इस बात को मत भूलिए कि आपकी यह हिचकिचाहट कैसे उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करे कि आप अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और माफ़ी को लेकर गंभीर हैं। माफ़ी मांगिए, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को रिश्ते में लौटने के लिए मजबूर कभी मत कीजिए। यह फैसला उसका है और उसे ही करने दीजिए। उसे कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने दीजिए और उसे सोचने का कुछ वक्त दीजिए। उसे जब लगे यकीन हो जाए तो वापस आ जाएगी। ये तरीका भी बड़ा काम का है। अगर गर्लफ्रेंड थोड़ी रूठी है तो एक मस्त सॉरी मैसेज खोजो, उसे कॉपी करो और भेज दो अपनी गर्लफ्रेंड को। इससे यह होगा कि लड़की यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कम से कम लड़के ने एक बार बिना मेरे बोले ही खुद से सॉरी बोल दी और अपनी गलती मान ली। इससे 100% गारंटी है कि लड़की का थोड़ा सा गुस्सा जरूर कम होगा। क्या है ना, सॉरी बोलने से किसी का भी दिल पिघल जाता है और सॉरी मैसेज भरम का काम करता है। कभी कभी आपको कुछ शो भी करना पड़ सकता है। अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएं कि आप उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उसे इस बात का भी एहसास कराइए कि आप अब भी उसे याद करते हैं। दोनों तरफ की भावनाएं दिखाने में जरूरी संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपका सादा हुआ रुख आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी कमी का एहसास करा सकता है और हो सकता है कि एक बार फिर आपका रिश्ता शुरू हो जाए। कुछ डायलॉग बाजी भी होना चाहिए। गुस्से में तुम और हसीन लगती हो, यह लाइन कई बार जादू सा असर करती है। जरा रोमांटिक अंदाज में यह बात उसके कानों के पास जाकर बोलिए, लेकिन यह सब नेचुरल लगना चाहिए। अगर आप मजकिए इंसान हैं तो जब गर्लफ्रेंड का मूड सही हो जाए तब उसकी टांग खींचकर माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना दीजिएगा। अपनी गर्लफ्रेंड की किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलें, उससे अपनी प्रॉब्लम बताएं और उससे अपनी मदद करने के लिए राजी करें, फिर शायद आपकी गर्लफ्रेंड मान जाए। यह अच्छा तरीका है, क्योंकि गुस्से के टाइम वो आपकी बात ना सुने पर अपनी फ्रेंड की बात तो सुनेगी। प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लड़ाई झगड़े वाले मूड के से बाहर निकलकर थोड़ा सा रिलैक्स करें, पुरानी बातों को दिमाग में न रखें। इससे आपके सिर्फ तनाव और तकलीफ ही होगी। इस तनाव का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ेगा। यह बात आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी कह सकते हैं। अगर वह आपसे मिलना नहीं चाहती तो लेटर, ईमेल या मोबाइल के जरिए यह बात उससे समझाइए और खुश करने की कोशिश करिए। अगर प्यार का रिश्ता टूट भी जाए तो भी फ्रेंड का तो रखा ही जा सकता है। हालांकि यह जरा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए खुद को जरा सा वक्त जरूर दें। भरोसा और नया रिश्ता बनने में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन
मुमकिन है कि अच्छी दोस्ती के बाद आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे और रिश्ते में दोबारा जान आ जाए। इसलिए कदम धीमे और सधे हुए उठाएं। आप ऐसे काम करें जो उसे पसंद है, उसे दिखाएं कि आप उसका पूरा ख्याल रख पाएंगे। अगर आप बात करने में उस्ताद हैं तो बस फिर किस बात का इंतजार आपको, उठाओ अपना मोबाइल और करो बात जरा उनसे फिल्मी स्टाइल में। आज भी बेशक हम कितने भी पश्चिमी सभ्यता वाले हो गए हैं, पर लड़कियां आज भी आशिकी वाली बातों को पसंद करती हैं। 70 का शाहरुख खान या अक्षय कुमार की बातें आपकी जान को फिर से आपके करीब ला सकती हैं। तो करो ट्राई और लगाओ फोन, और हर पल सच्ची खबर के लिए आज हमें सब्सक्राइब करें।